हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन मैक्स फैशनेबल। फ्रेंड्स, अगर आपको भी लहंगा अच्छा लगता है तो ये वीडियो आप देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे एक लाइक दे दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर इस तरह का आपको अगर लहंगा बनाना है तो आप घर पर ही बना सकते हो। इस तरह का जो फैब्रिक होता है वो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आप उस तरह का फैब्रिक बाय करके आप इस तरह के बना सकते हो। और आपको लहंगा, अगर फ्लेयर वाला लहंगा बनाना चाहते हैं तो आपको 6 से 7 मीटर फैब्रिक की नीड होगी। और अगर उसके लिए अगर दुपट्टा भी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2.5 मीटर ले सकते हो, अच्छा लेंथ आ जाता है उसमें। और या फिर आप लेस की हेल्प से उसे डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। फ्रेंड्स, आजकल ब्रोकेट फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। आप ब्रोकेट फैब्रिक का भी लहंगा बनवा सकते हो। अगर नेट का बनवाना चाहते हो तो नेट का बनवा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अगर इस तरह का लहंगा बनवाते हो तो दुपट्टा जो है आप नेट के ही फैब्रिक का बनवाएँ, और ब्लाउज बनवाना है तो ब्लाउज भी नेट के फैब्रिक का ही बनवाएँ, जो लहंगे का फैब्रिक है उसी से मैच करता हुआ। एंड दुपट्टा जो है बनाना है तो उसमें दुपट्टा के चारों तरफ लेस लगा सकते हो, जिससे मैच करता हुआ। फ्रेंड्स, इस तरह के लहंगा जो है आप अगर घर पे बना रहे हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसे जिस तरह चाहें उस तरह अपना लहंगे को एक नया डेफिनेशन दे सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो लेस की हेल्प से या कोई फ्लावर की हेल्प से, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनता है और वो भी आपके बजट में ही बन जाएगा। और नेट का फैब्रिक मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस दिए गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। अगर चैनल पे हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी को स्टिचिंग आती है तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे आइडियाज़ लेके बना सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।